मैं देखूंगा कि मेरी आवाज भारी पड़ती है, नौजवानों की आवाज भारी पड़ती है। यहां पर मानवर कांशी राम जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। ऐसी हालात में यह कार्यक्रम हो रहा है, जब देश जल रहा है, नौजवानों की सरकारी नौकरियां छिन रही हैं, जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिला करती थी, भाजपा सरकार एक एक करके अपने चहेतों को रेवड़ी की तरह बेच रहा है। वहीं पर महंगाई से देश की जनता की कमर टूट चुकी है, छुट्टा जानवरों का आतंक किसानों पर कहर बन के टूट रहा है। जीएसटी लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लूट का संसाधन बन गई है। यही नहीं, आज पूरे देश को के सामाजिक सौहार्द को तार तार किया जा रहा है। हम नारा देते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिरका परस्ती के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को तोड़कर हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर हिंदू मुसलमान की गंदी राजनीति कर राजनीति को कलंकित कर रही है। आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को निष्प्रभावी और शून्य किया जा रहा है। जब जब भाजपा का आतंक बढ़ा है, तब तब इस देश के गरीब मजलूम अपने सम्मान की हुंकार भरकर एक साथ खड़े हुए हैं। आज भी वही हालात बन चुके हैं जो कभी 1993 के पहले था। देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की गई थी, लड़ाने की कोशिश की गई थी, और उस समय इस देश के दो बड़े नेता, एक मानवर कांशी राम, दूसरे नेता मुलायम सिंह यादव, दोनों ने इस भाजपा को सबक सिखाने के लिए गठबंधन किया था। और जब नेताजी और मुलायम सिंह यादव और कांशी राम जी का गठबंधन हुआ था, तो उस समय नारा गूंजा था, मिले मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए, जब मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांशी राम, मिले मुलायम कांशी राम, ये नारा गूंजा था। और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था, भाजपा का सफाया हुआ था। आज वही परिस्थितियां फिर पैदा हो गई। आज मन पर जो भी बैठे हुए हैं, ये कभी बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष होते थे, राष्ट्रीय महासचिव होते थे, वो सारे समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। रामचंद्र राजभर जी प्रदेश अध्यक्ष होते थे, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। लालजी वर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष होते थे, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। साथ ही साथ इंद्रजीत सरोज जी लंबे समय तक शुरुआती दौर के साथी रहे मानवर कांशी राम जी के, प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। आयुष कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, आज वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, बीएसपी में
कर लिया था, आज अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज यहां जो पिछली कतार में बैठे हुए हैं, भाई रामनाथ, भाई अकेला जी हमारे पूर्व विधायक, वो भी बहुजन समाज पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटर होते थे, भगवती सागर जी संस्थापक लोगों में थे, वो भी कई बार मंत्री रहे, आज बहुजन समाज पार्टी के नेता परेशान हैं कि लगता है बचा खुचा हमारा जनाधार अब सपा वाले लेके ही रहेंगे। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक धक्का दिया था, बहन जी का बिस्तर बन गया था, दिल्ली पहुंच गई। चार बार मुख्यमंत्री रहने वाली मायावती जी आज एक विधायक के लिए तरस रही हैं। यह स्वामी प्रसाद मौर्य का झटका था। इंजी सरोज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती को अपने राज्य से खारिज किया था और लोग निकाले गए होंगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती को अपने राज्य से निकालने का काम किया था। इसलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य अकेला नहीं है, इस देश के लाखों लोग आदिवासी दलित और पिछड़ों के सम्मान की लड़ाई लड़ने वाला मानवर कांशी राम जी के कारवां का एक मजबूत सिपाही और योद्धा रहा है। आज जब बहुजन समाज पार्टी, जिसको मानवर कांशी राम जी ने बनाया था, उसकी नेता बाबा साहब के मिशन से हट गई है, मानवर कांशी राम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से भटक गई है, इसलिए मानवर कांशी राम जी के सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले अगली कतार के जितने भी योद्धा हैं, आज समाजवादी पार्टी में रहकर के जो मुलायम सिंह यादव और कांशी राम जी ने 93 में गठबंधन किया था, उस गठबंधन की विचारधारा को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आगे ले जाने का काम करेंगे। यही नहीं, 93 में नेताजी और मानवर कांशी राम ने मिलकर के भाजपा को मिट्टी में मिलाया था। आज ये भाजपा जो देश को बेचकर ईस्ट इंडिया कंपनी के तट पर सारा पैसा अदानी और अंबानी की तिजोरी में डाल रहे हैं, देश के साथ ये गद्दारी नहीं होने दूंगा। देश को टुकड़े करने वाले हिंदू मुस्लिम को बांट कर राजनीति कर रहे हैं, उनको भाईचारा का कत्लेआम नहीं करने दूंगा। जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भी नहीं होने दूंगा। फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनके हौसले को तोड़ रहे हो, लोकतंत्र को खत्म करने की आपकी साजिश, संविधान को बदलने की साजिश, देश को फिर से गुलामी की ओर और बंटवारे की ओर ले जाने की साजिश नहीं चलने पाएगी। मैं आज यहां पर आह्वान करता हूं, आज मानवर कांशी राम जी, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी तो हमारे बीच में नहीं, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव का चेहरा आज भी अखिलेश यादव के चेहरे में दिखाई पड़ रहा है। मानवर कांशी राम के कारवां के जो हमारे धुरंधर अगली कतार के योद्धा रहे हैं, उनके सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के कारवां को आगे ले जाने की चाहत इस फौज में बैठपनी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज हम संकल्प लेते हैं मानवर कांशी राम जी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर हम यह संकल्प लेते हैं कि आज हम सभी मिलकर के आदिवासियों, दलितों